150 ब्राह्मण सहित 225 लोगों ने सपा की सदस्यता ली है। इस दौरान सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस सरकार में बहुत अत्याचार बढ़ गया है। वहीं इस अत्याचार को देखते हुए ब्राह्मणों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जहां हमारी रक्षा हो सके और हम लोगों को सम्मान मिल सके। इसको लेकर हम लोगों ने एक नीति बनाई थी, जिसके तहत अभी तक 150 ब्राह्मणों सहित करीब 225 लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों से सहमत होकर सपा ज्वाइन किया है। आपके नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों ने सपा ज्वाइन किया है, क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे चल रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस योगी सरकार में अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको देखते हुए ब्राह्मणों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जहाँ हमारे रक्षा हो सके, हमें सम्मान मिल सके। उसको देखते हुए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को जोड़ने की एक नीति बनाई थी। उसके तहत आज लगभग 125 के करीब हम शुरुआती दौर में थे, जबकि अंत आज जो ज्वाइनिंग है वो होते होते लगभग 150 लोगों ने, 150 ब्राह्मण ने यहाँ पर पार्टी ज्वाइन की है। इसको छोड़े तो अन्य जातियों के लगभग 75 से 80 लोगों ने आज कुल मिला के 225 लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था व्यक्त की। आपके नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों ने सपा ज्वाइन किया है, क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे चल रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस योगी सरकार में अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको देखते हुए ब्राह्मणों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जहाँ हमारे रक्षा हो सके, हमें सम्मान मिल सके। उसको देखते हुए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को जोड़ने की एक नीति बनाई थी। उसके तहत आज लगभग 125 के करीब हम शुरुआती दौर में थे, जबकि अंत आज जो ज्वाइनिंग है वो होते होते लगभग 150 लोगों ने, 150 ब्राह्मण ने यहाँ पे पार्टी ज्वाइन की है। इसको छोड़े तो अन्य जातियों के लगभग 75 से 80 लोगों ने आज कुल मिला के 225 लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था व्यक्त की।